गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द थर्ड पोएम ऑफ क्लास 11th, दैट इज वॉयस ऑफ द रेन। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय वॉल्ट विटमैन। ही इज अ ग्रेट अमेरिकन पोएट एंड इन दिस पोएम ही इज गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट द रेन एंड व्हाट डज द रेन से टू अस एंड How it say to us, he is going to translate. We are unable to understand the language of the voice. So the poet Walt Whitman is going to translate the voice of rain in English, and that translation we are going to study today. And so the voice of rain. The voice of rain. This poem is composed by Walt Whitman. What does the poet says and what does the voice of rain is, we are going to study in that. Firstly, the poet is asking to the voice, and who art thou? Art means are, thou means you. And who are you, said to the soft falling shower. The poet Walt Whitman is asking to the soft falling shower. गिरती हुई बारिश की soft shower से पूछता है poet, who are you? Which strange to tell gave me an answer. उस बारिश की आवाज ने एक विचित्र भाषा में मुझे आंसर दिया, as here translated. और उस भाषा को मैंने क्या किया, that language I am going to translate for you, that so that you can understand what the rain is saying to us. And who are you, said I to the soft falling shower. I asked to the soft falling hour who you are. Then which strange to tell gave me an answer, and that shower gave me an answer, as here translated. और उस आंसर को मैं यहाँ पर ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, पोएट ऐसा कह रहा है। और क्या ट्रांसलेशन है, वह क्या कह रहा है, रही हो बारिश की आवाज़। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। हु एम आई? एम द पोएम ऑफ अर्थ। मैं कौन हूँ? मैं इस अर्थ की कविता, इस पृथ्वी की कविता हूँ मैं। सेड द वॉयस ऑफ द रेन। हु सेड? वॉयस ऑफ द रेन सेड दैट हु एम आई? आई एम द वॉयस of the rain and I am the poem of the earth. मैं कौन हूँ? इस अर्थ की पोएम हूँ, इस अर्थ की कविता। Eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. I think all of you will be aware about the process of rain. बारिश की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में आप लोग जानते होंगे, कि समुद्र तल से किस तरह से वाष्पीकरण होता है और वह वाष्प जाकर ऊपर एक संघनन कलेक्ट हो जाता है और फिर वह रेन ड्रॉप का शेप लेता है और किस प्रकार से वह जमीन पर आता है। तो द पोएट इज आल्सो सेइंग, पोएट इज नॉट सेइंग, द वॉयस ऑफ रेन इज सेइंग टू द पोएट एंड पोएट इज ट्रांसलेटिंग द वॉयस ऑफ द रेन फॉर अस दैट इटर्नल आई राइज impalpable means untouchable, untouched, we cannot touch that, out of the land and the bottomless sea. मैं rise करती हूँ, मैं वहाँ से उठती हूँ। कहाँ से उठती हूँ? उस जगह से उठती हूँ, land से और bottomless sea से उठती हूँ, समुद्र तल से और भूमि से उठती हूँ, जहाँ से मुझे छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता मुझे। और मैं वो उठकर कहाँ जाती हूँ? Upward to heaven. Where I go? I go to upward heaven, whence जहाँ से vaguely form altogether change, और जहाँ पर मैं एक अस्पष्ट रूप से एक आकार ले लेती हूँ और वो आकार बदल जाता है and yet the same, और फिर भी वैसे ही रहती हूँ। It means that is in the form of the water. Here there's the moisturization, evaporation, that is also in the form of the water, and it also when it goes upwards heaven and that collect
एंड दैट इज चेंज, द फॉर्म इज चेंज, बट इट्स बेसिक, इट इज इट्स बेस इज द वाटर एंड दैट इज नॉट चेंज्ड. एंड वाट हैपन्स फ्रॉम अपवर्ड हीवन, आई डिसेंड टू लेव द ड्राफ्ट एटोमिक्स डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब. मैं उतर जाती हूँ, वहाँ से उतरती हूँ कहाँ पर, उस स्थान पर जहाँ सूखा है, एटोमिक्स जो सूखे कण है, डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, और जो डस्ट लेयर है ग्लोब की सतह पर, वहाँ आकर मैं गिरती हूँ, यानी उस बारिश की बूंद, वहाँ से आसमान से फिर बारिश की बूंद ज़मीन पर आकर सूखे हुए और इस धूल कण वाले मिट्टी में आकर गिरती है. एंड ऑल दैट आई देम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली लैटन एंड बाउंड. इफ आई एम नॉट प्रेजेंट देयर, इफ देयर इज नॉट वाटर, देन इफ यू आर सोइंग एनी सीड, दैट सीड विल बी द सीड दैट विल नॉट बी फॉर्म इन टू द प्लांट. सो द वॉइस ऑफ रेन, द रेन इज सेइंग टू द पोएट दैट हु एम आई, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ. एंड वट हैपन्स, I rise from the bottomless sea and the land and go upward and there formed I, and after from that from heaven I descend, I drop on the drop and the layer of glove, and without me a seed will be seed that will not be changed into the plant. बिना मेरे, बिना पानी के, बिना जल के, बिना इस बारिश के, एक बीज बीज ही रह जाएगा, वो पौधे का रूप नहीं धारण कर पाएगा यदि मैं ना आऊँ, यदि बारिश ना हो तो. एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली लैटन एंड बार्न, जन्म ही नहीं होगा उस सीड में किसी चीज़ का. एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन वर्जन. एंड फॉर एवर, और हमेशा के लिए, दिनों रात मैं यही करती हूँ, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन वर्जिन. मैं अपनी उत्पत्ति के लिए, अपनी स्वयं की उत्पत्ति के लिए मैं यह कार्य करती हूँ. एज वी नो दैट इफ देयर इज वाटर एंड आफ्टर दैट देयर विल बी द वेपोरेशन एंड दैट वेपोरेशन विल गो अपवर्ड एंड आफ्टर दैट देयर विल बी इन द शेप ऑफ द ड्रॉप एंड दैट ड्रॉप कम एज अ रेन ऑन द ग्राउंड. आफ्टर दैट देयर इज अ वाटर, देन वेपोरेशन. दिस साइकिल, दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन. द सेम थिंग इज टोल्ड बाई रेन हियर दैट फॉरएवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन वर्जिन. अपनी उत्पत्ति के लिए मैं खुद जीवन के देती हूँ. इट मीन्स दैट बाई साइकिल, बाई प्रोसेस ऑफ दिस रेन आई कंटिन्यू माई वर्क एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट. एंड आई मेक प्योर ऑल द नेचुरल थिंग, ऑल द ग्रास, ट्रीज एंड एवरी थिंग. एंड नॉट ओनली आई प्योरीफाई, आई ब्यूटिफाई ऑल्सो दम. बिकॉज ऑफ दिस रेन देर इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर, ब्यूटिफुल प्लांट, ब्यूटिफुल अर्थ इज दैट वी कैन सी इन द ब्रैकेट नाउ. फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम द बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वेंडरिंग. एंड वाट हैपन्स, मैं स्वयं में गीत गाती हुई चलती हूँ उस बर्थ प्लेस से, और अपनी पूरी, जो अपनी आवश्यकता पूरी कर लेती हूँ उसके बाद घूमती रहती हूँ. रेकन एंड रेकन ड्यूली विद द लव रिटर्न. रेकन एंड रेकन मीन्स प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ड्यूली विद लव रिटर्न. मैं दोहरा प्रेम देती हूँ, मैं स्वयं अपनी उत्पत्ति के लिए भी काम करती हूँ, और मैं लोगों को प्योरीफाई, ब्यूटीफाई प्लांट, एवरीथिंग आई प्रोवाइड for the people, for the mankind. So the poet in this poem, Voice of Rain, the poet Walt Whitman is asking to the rain that what are you saying, what is the sound of rain, and what is the voice of rain, and what does the rain replies to the poet. The poet translate into English, and that is in the form of poem we are studying, we are going to study that. And who art thou, shed I to the soft falling shower. Kaun ho tum, girti hui barish se pucha kisne, poet ne. Which stands to tell, give me an answer as he had translated. Aur jo bhi answer mila usko kya kar raha hai poet, translate kar de raha. I am the poem of fast, said the voice of the rain. Eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea, upward to heaven, where vaguely formed together, change and at the same here. The rain
tells the process of rain, that how the from the bottomless sea, from the land, she rises to upwards, and there she formed in the drop of rain. But she is not changed totally, because the base thing is the water, that is same. And I descend to the left draft, atomics and the layers of the globe. She comes on this layer of the globe where there is a draft, where there is a water, the waterless place. So, and all that in them without me were seeds only Latin and bald. If there is no water, if there is no rain, there will be seed is only like a seed that will not be in the form of the plant. And after that and forever by day and night, I give back life to my own virgin. After that she tells about her own process, that day night it works and it continue its work, and so for that, and because of that there is the process of raining. And after that she also says that it makes its fulfillment itself, and there is it do not take the help from others for its fulfillment, and it beautifies the place, it glorify, and it make the pure to the other things, to plants and to the nature also. And after that she also said at last that reckoned or unreckoned, directly or indirectly, what happens, it duly with the love return, it dohra la pahunchati hai, aur dohre tarike se kya karti hai, double tarike se, ya reckoned or unreckoned, double tarike se, do tarike se, ya prem ko wapis kar deti hai, aisa kehna hai poet aur voice of the rain ka. So this is your third poem of class 11th. We will meet in the next poem for that. Thank you.